यार ये क्यों मेरी जान की दुश्मन है, देखो मेरे पे परेशान, मेरे को कितनी सुंदर आ रही तुम्हारी फोटो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हटो यहाँ से, भारी लग रही। माय यूट्यूब चैनल, आप लोग कैसे हो? और आप देख सकते हो हम भी बहुत अच्छे थे। ये विक्ट्री डांस था हमारे गोवा पहुँचने, रूम में शिफ्ट होने, खाना खा के एकदम आराम करने, पर ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ वो था बागा बीच से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑफिशियली फ्रॉम बागा बीच गोवा। हम सनराइज देखने आए हैं। बहुत गंदा है ये बीच, क्योंकि बहुत क्राउडेड है ये मोस्टली, तो इसीलिए। बट बहुत इस वक्त पीसफुल है क्योंकि कोई पब्लिक नहीं है, एकदम ओशन की वेव्स और हम और ये रेत वाली मिट्टी। व्हाट डू यू से? कैंडलम डालो और उसके नियर बाय डालो। व्हाट डू यू से? कैसा लग रहा है? से एनवायरनमेंट तो इसे अच्छा है, ठंडा ठंडा कूल, बट ये है थोड़ा सा, रेत भी ठंडी है ना। हाँ रेत भी ठंडी है, बट थोड़ा ना गंदा ज्यादा है ये, अच्छा सफाई कम है इसमें। पानी एक्सपीरियंस। यस हनी, अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे सनराइज नहीं देख पाए क्योंकि थोड़े ड्रिंक करने वाले लोग आ गए थे, उसके बाद हम अपने होटल में लॉज कर गए, जल्दी चले गए ताकि हम चार पाँच घंटे सो सकें, उसके बाद मॉर्निंग में लोकेशन पे जा सकें। फाइनली आवर डे वन इन गोवा। अब इसके बाद से करते हैं एक्सप्लोर, क्योंकि कल रात हम पहुंचे ही लेट थे और फिर पूरा थक गए थे तो कहीं गए नहीं। तो आज हमारा डे वन है और हम जा रहे हैं अंजुना साइड। आई एम सो स्लीपी राइट नाउ। फाइनली हम अपने हमने रिजॉर्ट बुक किया है, वहाँ पे हम पहुँच गए। चलो ये रहा हमारा रिजॉर्ट, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सच बोलूँ थोड़ी शांति भी है, जहाँ मतलब फॉर नाइट स्टे, सिर्फ एक रात के लिए जहाँ रुके थे ना हम, वो थोड़ा काफ़ी क्राउडी एरिया था और मतलब क्या बोल सकते हैं, गंदा एरिया भी था, बट ये काफ़ी क्वाइट सा है, बहुत प्यारा सा है। लेट मी शो यू, पूल साइड है इसका हमें मिला। तो मैं फाइनली अपने रूम में पहुंच गई हूँ। और बात मुझे आपसे ये शेयर करनी थी कि जो हमने ना एयरपोर्ट से, क्योंकि हम 11-12 बजे पहुंचे थे राउंड अबाउट सिटी में, तो हमने जल्दी में ही एक रूम बुक किया था, वो इट वाज इनफ फॉर 6 पीपल, डबल बेड एक ही रूम में लगे हुए थे दो, तो मतलब ठीक था। बट हॉस्पिटैलिटी उनकी कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी, या हम कह सकते हैं इतनी क्लिनलीनेस भी नहीं थी। बट चलो जैसे जैसे रात निकाली, बट अभी जो हमने रिजॉर्ट बुक किया है, आई थिंक इट्स फॉर 1 or 2 days, ये है अंजुना में। और इसका पूल साइड व्यूज़ तो है ही, लेकिन साथ में बीच भी, अंजुना बीच भी यहाँ से हार्डली 300 मीटर दूर है, मतलब ऑन फुट जा सकते हैं। इवन जो फ्ली मार्केट है अंजुना की, और एक चैपल है, चैपल तो बिल्कुल नियर बाय है, लेकिन एक और चीज़ है, मतलब नियर बाई है सारा। तो आई थॉट वाई नॉट इधर ही रह लिया जाए, क्योंकि यहीं से ही मॉर्जिम और बेगटर की तरफ भी, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कितना होगा, 4 to 5 kilometers रहेगा ही। बट ये सेंटर में है, लाइक ये बागा वगैरह और मतलब मॉर्जिम के सेंटर में है, तो आई थिंक इट वर्क्स। तो अभी हम अभी पहुँच गए हैं, चेक इन हो रहा है, मैंने तो अपना सामान रख दिया, अपना बेड देख लिया, मेरे को किसी से शेयरिंग बेड नहीं करना। और तो उसके बाद लेट्स सी कहाँ जाते हैं, अभी हम रेडी होंगे थोड़ा फ्रेशन अप होके। गाइस दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू अराइव विद अ लॉट ऑफ लगेज, और आल्सो इफ़ यू आर अ गर्ल, हर एक कपड़ा बाहर होता है बट पहनना फिर हमने वही होता है जो सबसे वर्स्ट हो, बट इस बार वैसा नहीं हुआ है। इस बार एवरीबडी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। देखो ज़रा इतना टाइम लगा रही है ना ये गाइस, मैं क्या बोलूँ, सिर्फ ये थोड़ी बहुत अभी रेडी हो गई है,
चिमकांडी सी, अभी जस्ट अभी अभी भी रेडी कम्प्लीटली हुई नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ लगे चली है, लगे पड़ी है, और बाकियों का तो पता नहीं है। दूसरे रूम से कभी इस रूम में, इस रूम से दूसरे रूम में, बस सबको ही बोल रही हूँ चलो भाई चलो जल्दी, कोई नहीं चल रहा है, 2 बज गए। वैसे आज हम थोड़ा लेट भी हो गए थे, उठे 11 बजे थे, तो फिर उसके बाद जहाँ हमने ऑफिशियली अपना होटल बुक किया, जैसे मैंने आपको बताया अंजुना में, तो वहाँ पे आते आते फिर रूम वगैरह सारा नहा धो के नॉर्थ गोवा में अभी। और मेरा गला एज़ यूजल कहीं भी जाऊँ कहीं भी कुछ भी करूँ फर्स्ट डे पे ही बाजे की तरह फट जाता है। चलो दवाई लेते हैं अगर। फर्स्ट लंच करने है ना दी, भूख लगी है हमको, हम जा रहे हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं जहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी ना, क्या नाम है उसका, चुराला की चौपाटा फोर्ट समथिंग करते कुछ ऐसे, दिल चाहता है। हाँ वही हमारा ब्रेकफास्ट प्लस लंच अभी इधर ही करेंगे हम, काकूज में प्योर वेजिटेरियन। हेलो गाइस, यूट्यूब की दुनिया में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए, कहाँ पहुंचे हैं अंजलि जी, चपोड़ा फोर्ट। हाँ चपोड़ा फोर्ट बार देश में है, अंजुना में। हाय बहुत सी चिड़िया इधर, चल देखो 120 टोटल। आप अपना पैन नहीं दिखाएंगे अपने दर्शकों को प्लीज, बट मैंने अपना नहीं किया खराब यार, अपने साथ में अपने कंफर्ट। चपोड़ा फोर्ट का ये काफ़ी पिकनिकी प्लेस है विद अ वेरी गॉर्जियस साइट, ये आई थिंक अंजुना की ही बीच साइड है, आगे तक बहुत आगे तक है ये। अभी हम यहाँ पे फोटो शूट करने वाले हैं डियर पीपल, सो बीच में कैमरा विल बी ऑफ। अभी हम उसी फोर्ट के दूसरी लोकेशन पे आए जहाँ से और क्लियर व्यू आ रहा है, और ये विद माय गर्ल्स, और क्या तो मी टाइम इज इम्पोर्टेंट यू नो दैट। चपारा फोर्ट में प्रॉपर नाटी करके हम हिमाचल वाले अब फिर से वापसी की और कहीं और दूसरी जगह जाने वाले हैं जहाँ हम फिर नाटी कर सकें, तो गाइज स्टे ट्यून्ड। मेरा छोटा पंखा, ये चली निरियन के फोटोज नहीं ख़त्म नहीं हो रहे इतने ज़्यादा, आई गेस एक एक के 150-150 फोटो एक एक लोकेशन में। फाइनली टू द अर्जुन अंजुना, नॉट अर्जुना, अंजुना बीच। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। अच्छा फ्लैश लाइट, गुड गर्ल, कुछ तो अकल का करती है ना, ऐसे तो ये भी अकली ही है, प्लीज डोंट है ना, आना बेल डोल ही लगूंगी। हाँ ले लाइम लाइट।
स्लेटी रंग लाली है वो लाली चिट्टी गई वो बैठ सामने लाली है लाली ये अलेक्सा ये अलेक्सा डोरा है डोरा कुछ खत ले गया डोरा अप लेने आ गया तीजी तीजी बार मेनू अप लेने आ गया मैये दे नाल मेरी जाया भी जाए कुंड चुके आ भी जाए मुआ बोले आ भी जाए कुंड खोले आ भी जाए मैया वे मैया टोल सिपाहिया मैं ओदे नाल तुर जाना मैया वे मैया टोल सिपाहिया मैं ओदे नाल तुर जाना नहीं जाना मेरी माई मैं ओदे नाल नहीं जाना